चलो कंटिन्यू करते हैं अपन, टाइम हो गया। तो आप लोग को क्लियर हो गए डेटा टाइप सबको? तो मैं अगर फोल्डर ओपन करता हूं, कौन सी चीज़ टाइम पे आया करो सारे लोग। अब देखो यहाँ से स्टार्ट चालू कर सकते हो, एचटीएमएल स्टार्ट किया। तो हमने पिछली क्लास में देखा था डेटा टाइप, उसी से हमें कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैंने स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट एंड किया, स्क्रिप्ट एंड किया, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम पे नहीं आएंगे बच्चे, वेयर ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अभी क्या प्रिंट होगा ब्राउजर पे? 10। तो दिख रहा है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने लिखा वेयर ए इज इक्वल टू 20। अब क्या प्रिंट होगा? 20 होगा ना। फिर लिखा मैंने वेयर ए इक्वल टू 20, अब क्या प्रिंट होगा? 30। हो गया 30 प्रिंट। तो अब एक चीज देखो आप लोग, यहाँ पे 10, 20, 30 हो गया। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, तो मैं सिंपल लिखूंगा ए इज इक्वल टू 40, तो 40 मिनट हो जाएगा, हो गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो इसमें हो क्या रहा है, आप एक चीज देखो, पहले मैंने ए को वैल्यू दी 10, फिर मैंने एक को वैल्यू दी 20, फिर मैंने एक को वैल्यू दी 30, फिर मैंने एक को दे दी वैल्यू 40। मतलब वैल्यू चेंज हो रही है कि है ना, यहाँ पे वेयर के साथ। अब मैं लेट का यूज करता हूँ, लेट ये वेरिएबल होते हैं। मैं लिखा वी इज इक्वल टू 20, यहां पे लिखा हुआ लेट वी इज इक्वल टू 20, सबको दिख रहा होगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं लेट वी, फंक्शन का साइन लगाया, तो 20 आ रहा है, सब लोग आ रहा है। अब मैं अगर लेट लिखता हूं फिर से एलईडी लेट वी इक्वल टू 30, अब देखते हैं कि लेट दोबारा प्रिंट करने देता है कि नहीं। अब यहां कुछ नहीं आ रहा, तो उसका मतलब क्या होता है बताओ? इसका मतलब एरे तो होता है। देखो देखो देख क्या क्या कहा उसने, कि वी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, वी को पहले से ही वैल्यू असाइन हो चुकी है लेट के साथ में। अब आप दोबारा लेट के साथ में बी को दूसरी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, यही तो ये कह रहा है लाइन में। अब ऊपर देखो, ऊपर कुछ ऊपर तो सब हो रहा था, अब कितने बैर लगाते जाओ, कितने बैर लगाते जाओ, वैल्यू चेंज होती जा रही थी, मगर लेट के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, अब मैं सिंपल अगर लिखूं ऐसे, तो मैं लिखा वी इक्वल टू 40 और ये बंद कर दूं। अब देखते हैं अब चलेगा कि चलेगा, तो चल गया। मतलब मैंने लेट नहीं, लेट द्वारा नहीं लिखा, तो उसने वी को वैल्यू चेंज करा दी।
समझ आ रही है आप लोगों को? यहाँ देखो वेयर में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। वेयर तो आप कितने वेयर लगाते जाओ, एक वैल्यू कितनी भी असाइन करते जाओ, है ना, कहीं कुछ देते जा रहे थे। मगर लेट में जब हमने वैल्यू असाइन की, फिर दोबारा लेट लगाया, तो उसे मना कर दिया। उसने कहा नहीं भैया, वी को हम पहले साइन कर चुके हैं लेट के साथ में। तो फिर मैंने क्या किया, इस लेट को बंद किया। फिर मैंने इस तरीके से असाइन करना चाहा, तो उसने कर दिया। तो इस समय वी की वैल्यू भी क्या है, इस समय वी की वैल्यू क्या है, 40। मगर 40 है, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि हम दो लेट एक साथ नहीं यूज कर सकते। अगर लेट के अंदर मैंने वी को 20 दे दिया, तो लेट के अंदर वी को मैं 30 नहीं दे सकता, ठीक है। फिर आपको इस तरीके से देना होगा, तब जाके वी की वैल्यू चेंज होगी। ये बात किस में हो रही है, लेट में हो रही है। अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट की। कॉन्स्टेंट का नाम सुना आप लोगों ने, कॉन्स्टेंट का नाम सुना होगा, जिसकी कोई वैल्यू चेंज ना हो, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अब मैं लिख रहा हूं कॉसी। तो अभी आउटपुट क्या देगा, ये रन करूं तो 10 आ गया, सबको दिख रहा होगा 10, ठीक है। अब दोबारा देखो, यहां पे 10 हो गया, सी को हमने 10 दे दिया। अब मैं दोबारा फिर लिख रहा हूं कॉन्स्टेंट सी स्क्वायर टू 40। अब देखता हूं क्या हो रहा है, सेम एरर आ गई। सी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लियर, सेम एरर आ गई, दिख रहा है सबको सेम एरर यहां पे। तो हमने क्या किया, चलो इसको बंद कर दिया, वही सेम कहानी होगी लेट वाली कॉन्स्टेंट वाली। अब मैं सोचता हूँ कि चलो ऐसे प्रिंट करके लिख लो। अभी 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 देखते जाओ, अभी देखते जाओ, हमें लिखा सी इक्वल टू 40। अब एक चीज देखो, यहाँ पे जब लेट लिख रहा था, ये वेरिएबल ही है हमारे, यहाँ पे जब लेट लिखा दो बार लेट, तो इसने मना कर दिया, ठीक है, इसने ही मना कर दिया। दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। और जब मैंने ये लेट बंद कर दिया और सिंपल लिख दिया वी 40, तो इसने क्या किया, वी की वैल्यू चेंज कर दी, है ना। अब मैंने कॉन्स्टेंट दोबारा लिखा, तो वही सेम एरर आई, तो मैंने कॉन्स्टेंट को बंद कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि सी की वैल्यू ये चेंज करता है कि नहीं करता है, समझ में आ गया पॉइंट, देखते हैं यहाँ पर। एरर दे दी उसने, देखो एरर आ गई। अब कांस्टेंट का नाम सुनाएंगे, सुना, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। अगर मैंने इसके आगे कांस्टेंट लगा दिया, तो अब सी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। अगर सी को मैंने 10 डिफाइन कर दिया, तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे कैसे भी लिख लो, सी को 10 मिल चुका है, तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे लेट में क्या हो रहा था, लेट में आप दो लेट एक साथ नहीं लिख सकते, मगर इस तरीके से तो वैल्यू चेंज कर पा रहे थे। मगर कॉन्स्टेंट उसने क्या कहा कि नहीं, अगर आपने सी को 10 दे दिया, तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम सी की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। डिफरेंस समझ में आ रहे हैं तीनों में, जो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे ना, वो यूज करेंगे। अब सोचो, हमने डेटाबेस से लिखा यहाँ पे कॉन्स्टेंट, और लिख दिया डेटा, और यहाँ से डेटा आउट क्या आ रहा है, मान चलो कुछ भी डेटा आउट क्या आ रहा है, डेटाबेस से राम राज, ठीक है। अब ये किसके अंदर क्या आ गया, डेटा के अंदर। अब मान के चलो कोई दूसरा बंदा आता है, वो अपना मन से कुछ भी कर ले, दूसरा बंदा कोई आया, उसने कहा कि चलो कॉन्स्टेंट में हम डेटा में कुछ और स्टोर कर लेते हैं, तो वो कर पाएगा, कर पाएगा क्या डेटा में सो कुछ और। अब जब मैंने पहले स्टोर कर दिया, तो भाई तुम कैसे कर सकते हो, अगर मैं डेटाबेस से कुछ डेटा लेके आ रहा हूँ, तो मैं किसी ना किसी में तो स्टोर करूंगा ना, उसको किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर तो स्टोर करूंगा। अगर मैंने उस वेरिएबल को कॉन्स्टेंट बना दिया, तो उस वेरिएबल के अंदर उसके अलावा कुछ और स्टोर नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैंने 10 स्टोर कर रहा हूँ, तो अब 10 स्टोर होगा इसके अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे वेयर लिख देता हूँ, वेयर लिख देता हूँ, तो मांगे चलो अपन कोड कर रहे हैं, कोई दूसरा बंदा आया, क्या मैसेज आया, मेरी आवाज छटके आ रही है आप लोगों को सबको,
तो फिर जिनको कट रही है तो उनका नेट दिक्कत दे रहा है फिर, ठीक है। या तो सबको मेरी आवाज कटेगी अगर मेरा नेट प्रॉब्लम कर रहा होगा, आप लोगों का नेट कट रहा है तो फिर आप लोगों का नेट दिक्कत दे रहा होगा, वाईफाई लगा हुआ है। चलो तो अब देखो, तो कॉन्स्टेंट वाला पॉइंट समझ में आया, कॉन्स्टेंट वाला पॉइंट। अगर मैं बैकएंड से सिंपल सोचो, आज तुम काम कर रहे थे प्रोजेक्ट पर, कल कोई दूसरा बंदा आ गया, उसने गौर ही नहीं किया कि आपने ऊपर डेटा ले रखा है, अब उसने नीचे आया, अब उसने नीचे आया अपना वेयर लगा दिया, उसने डेटा में कुछ स्टोर करा लिया, तो क्या हुआ? अब मांगे चलो आपके प्रोजेक्ट में पहले से डेटा में कुछ उठ के आ रहा था, वो बंद हो गया उठना, उसका चालू हो गया, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना कहानी। सोचो आपने अपना प्रोजेक्ट में कोड किया जिसमें डेटा के अंदर आप कुछ डेटा डिस्प्ले करा रहे थे, डेटा के अंदर स्टोर करके, और आपने प्रोजेक्ट छोड़ दिया, एक नया बंदा आया उसने भी उसने लगाया वेयर और लिख दिया डेटा कहीं और, तो आपका डेटा उठना बंद हो जाएगा, उसका चालू हो जाएगा। तो ज्यादातर हम लोग एक्सप्रेस के अंदर, नोड जेएस के अंदर किसका यूज करेंगे? या तो लैट का यूज करेंगे, और 99% हम यूज जो करेंगे ना वो कॉन्स्टेंट का करेंगे यूज, ठीक है। 99% 100% ही मांगे चलो तुम कॉन्स्टेंट का यूज करेंगे, क्योंकि डेटा लेके जाएंगे, डेटा स्टोर कराएंगे, तो हमने चाहते ना उसमें कोई दोबारा उसमें दोबारा स्टोर करा रहे वेरिएबल के अंदर, जब मेरा सी के अंदर डेटा आ रहा है तो दूसरा सी के अंदर कुछ नहीं कराना चाहिए, ठीक है। तो नोट करो उसको, उसी में लिख लो नीचे, डेट टाइप में लिख लो, डेट टाइप वाले में लिख लो ये पूरा पार्ट। ऐसे पढ़ के चलना जिससे नोट जेएस में दिक्कत ना आए आप लोगों को। ठीक है, बाकी लोगों का ठीक है, कोई नहीं कर लो इसका नोट कर लो। नोट कर लो, बता देना। हो गया बाकी लोगों का? चलो अब आगे देखो, तो आपको डेटा टाइप समझ में आ गया, वेयर लेट कॉन्स्टेंट की यूज करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ऑपरेटर की। तो अगर मैं सी की बात करूं, तो सी में हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करते थे? हमने वेरिएबल्स पढ़े, फिर हम देखते हैं ऑपरेटर क्या होते हैं।
सबसे पहला ऑपरेटर हमारा कौन सा आता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। कोई कैलकुलेशन तो करोगे आगे चल के, है ना, कैलकुलेशन तो करोगे ना, तो इसलिए हमें सबसे अच्छे से क्या आना चाहिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो आप देखो यहाँ पे इसमें एक नई चीज ऐड हो जाती है, तो आपको दिख रहा होगा वेयर ए वेयर वी, है ना, मैं लिख रखें यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डबल स्टार, सबको जानते हो क्या होता है इसका मतलब, सब लोग पावर, मतलब क्या होता है पावर होती है। तो ए पे पावर कितनी है, 2 की पावर। तो अगर मैं रन करूंगा तो अभी आउटपुट कितना आएगा, देखो कितना आया, 1100 आया। अब यहां पे ए कितना हो गया, 10, बी कितना हो गया यहां पे, 22, ठीक है। देखो शायद मतलब पावर होता है, बाकी तो आप जानते हैं सारी चीजें, अभी जानते हैं ना मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना ना, तो इसको नोट ना करो, मैं चैट में दे रहा हूँ ना, बेसिक है, इसमें नोट कर, मैं टाइम वेस्ट करोगे, काम वाली चीजें वो कर देंगे अपन नोट्स। चलो चला के देख लो अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर नोट कर लो। लेट हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, कॉन्स्टेंट हमने पढ़ लिया, देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया। इसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, सबका नोट हो गया अर्थमेटिक, है ना। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, इक्वल प्लस इक्वल माइनस इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल स्लैश इक्वल, इस तरह का शॉर्ट फॉर्म होता है अर्थमेटिक का। तो देखो आप यहाँ पे बेसिक से चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होंगी, कितनी पढ़ी हैं, डिफाइन नहीं किया होगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे मेरे आप लोगों को, देखो देख लो सिंपल है, ए माइनस इक्वल बी, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा, स्टार वाला हो जाएगा, सिंपल सा नोट कर लो इसको, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होना जरूरी है कि अर्थमेटिकल एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, प्लस इक्वल माइनस इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल, जी आप लोगों को पता हो जी होते क्या हैं ये। तो एक अलग बना लो फाइल असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, किसने सी भी नहीं पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ा, असाइनमेंट ऑपरेटर
हो गया नोट, नोट हो गया। बाकी लोगों का असाइनमेंट हो गया। चलो अब देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर आता है कंपैरिजन। सबसे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कंपैरिजन। इसका इतना यूज होता है, लॉजिक जब बनाते हैं ना हम लोग, तो हम लोग इसका बहुत यूज करते हैं। डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। आप लोग लग रहा है बहुत सिंपल है, जब लॉजिक की बात आएगी ना, आप लोग से बोलोगे ये काम करना है, तो वो चीज़ आप समझ में नहीं आएगी होगी कैसे, कंपेयर कराना है चीज़ों के बीच में, ठीक है? तो वहां पे मैं इसका यूज करते हैं। तो अब देखो, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, एक स्टेटमेंट सीखना होगा, इफ एल्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफ एल्स क्या होते हैं। इफ एल्स आपको पता है, सुने किसी ने इफ एल्स स्टेटमेंट? इफ एल्स, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसी कोई डायनेमिक वेबसाइट नहीं है, ऐसा कोई डायनेमिक प्रोजेक्ट नहीं है जिसके अंदर इफ एल्स का यूज ना हो रहा हो। माइक बंद कर लो, पीछे से आवाज बता रही है। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर देख लेना, ऐसे कोई वेबसाइट देख लो डायनेमिक हो, जिसमें लॉजिक लगे हो, उसमें इफ एल्स तो 100% यूज होता है। अगर मुझे ये चेक करना है कि पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड दोनों सेम है कि नहीं है, अगर नहीं है तो यूजर के पास मैसेज जाए, अगर हैं तो आगे बढ़े, इफ एल्स लगेगा। जो भी काम करना है इफ एल्स का तो यूज होगा ही होगा, ठीक है? इफ एल्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। इफ एल्स में दो काम होते हैं, तो मैंने यहां पे लिखा, देखो सब लोग, मैंने ऊपर ले लिया एक वेरिएबल, वेर ए इज इक्वल टू 10 कॉमा वेर वी इज इक्वल टू 20, ठीक है जी? मैंने दो वेरिएबल ले लिया। अब देखो, मैंने इफ कंडीशन लगाई, मैंने कहा ए इक्वल इक्वल वेर ए, लिखना पड़ेगा सिंपल, ए से चल जाएगा, ए इक्वल इक्वल बी, और मैंने यहां पे लगाया कर्ली ब्रैकेट्स, यहां पे कर दिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फंक्शन का साइन लगा दिया, ठीक है? लिख दिए ओके। अब इसका, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, यहां कहता है क्या ए और वी इक्वल इक्वल हैं? अगर होंगे तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। होंगे तो क्या होगी कंडीशन? ट्रू होगी। ट्रू, ट्रू फॉल्स वाला खेल चलता है। अब ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, यूजर हमसे पूछ रहा है कि सर ये बता दो, ए और बी इक्वल इक्वल हैं कि नहीं, हमने देखा नहीं है, तो हमें यूजर को मैसेज बताना, मैसेज शो कराना पड़ेगा कि भैया नहीं है इक्वल इक्वल, तो फिर हम कहाँ चले जाएंगे उसके लिए? एल्स पे जाएंगे, एल्स पे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे? नो, ठीक है? नो। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पे चला जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। बात समझ में आ रही है सबको? इफ एल्स में दो ही काम होते हैं, या तो कंडीशन ट्रू होती है या तो कंडीशन फॉल्स होती है, इसके अलावा तीसरा काम नहीं होगा, ट्रू या फॉल्स। तो यहां पे जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपको लिख रहा होगा इक्वल इक्वल है नहीं, तो नो आ रहा है, देखो सब लोग नहीं है। और अगर मैं यहां पर 10 कर देता हूं तो कंडीशन ए और बी ट्रू हो गई, तो यहां पर आउटपुट क्या आ गया? ट्रू, ओके आ गया, ठीक है? यहां कंडीशन ट्रू हो गई। इफ एल्स के अंदर ट्रू फॉल्स वाला ही खेल चलता है। अगर मैं यहां पर चेक करवाऊं, मैं लिखा जैसे आप देखते हो ना, पासवर्ड इक्वल इक्वल मैं लिख दिया सी पासवर्ड, सी पासवर्ड, और यहां चेंज कर देता हूं वैल्यू। तो आप डालते हो ना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, तो
तो मैच होते हैं वो, ठीक है। अब आपने पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड डाला, यहाँ पे डाल दिया मुझे, ठीक है। अब क्या चेक हो रहा है कि पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड दोनों सही है, तो ओके आएगा, नहीं है तो मना कर देगा। मैं देखो ओके आ रहा है, अगर मैं कुछ गलत कर देता हूँ तो मना कर देगा, तो माइनस कर गया ना, इसलिए एरर देगा, वो नंबर आएगा ना, नो आ गया। अब इसी में एक चीज देखो, ठीक है। अब मान के चलो यूजर ने पासवर्ड डाला यहाँ पे राम, ठीक है, और यहाँ पे भी डाल दिया उसने यूजर ने, ठीक है, राम 1 2 3, ठीक है, ये पासवर्ड डाला। तो अब भी मैं यहाँ पे चेक करूंगा, सेव किया, रन किया, देखो नो आ रहा है, ठीक है। चल लोग देखो नो आ गया, तो अब मैं इसको सही कर लेता हूँ। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सही कर देता हूँ बिल्कुल, ठीक है। तो मैं सिंपल लिख देता हूँ यहाँ पे राम 1 2 3, डबल कोट लगा दिया, डबल कोट लगा दिया, और यहाँ पे कर दिया 1 2 3, तो चल गया, देखो ओके हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यही हटा देता हूँ, कुछ ऐसा काम करने वाला हूँ, अभी भी क्या हो गया, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अभी भी, अब क्या होगा, पक्का देखो, देखो ट्रू आ रहा ना। नो कब होगा, जब मैं यहां पे एक इक्वल और बढ़ा देता हूं। अब ट्रिपल इक्वल में क्या होगा, यहां पर साथ में डेटा टाइप भी चेक करेगा, टी वाई पी, ठीक है। ट्रिपल इक्वल क्या करता है, डेटा टाइप भी चेक करता है। अभी मैं जब डबल इक्वल लगा रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है, ओके आ रहा है, देखो आपने ओके लिख रहा है, क्यों, क्योंकि वो ये नहीं देख रहा पीछे स्ट्रिंग है ये नंबर है, वो सिर्फ क्या देख रहा है, क्या इक्वल इक्वल है कि नहीं है। तो इक्वल है 1 2 3 1 3, ट्रिपल डबल इक्वल ही चेक नहीं करता है, डेट है। जब आपने ट्रिपल इक्वल कर दिया, अब ये क्या चेक कर रहा होगा कि ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, आउटपुट क्या आ गया, नो। अब ऐसा क्यों आया, क्योंकि तो ट्रिपल इक्वल क्या चेक करता है, डेटा टाइप, याद रखना। जब मैं लगाऊं कोडिंग में तो आप बोलो सर ये क्यों लगा दिया, इसका यहाँ क्या यूज है, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपल इक्वल क्या काम करता है, ठीक है। अब दूसरा देखो, माइक बंद कर दो, पॉइंट समझ आ गया इतना। अब यहां पे मैं लगा देता हूं नॉट इक्वल, इसका आउटपुट क्या आएगा, नॉट इक्वल इक्वल, बताओ नॉट का मतलब समझते हो, नॉट का मतलब क्या होता है, अगर मैं अगर सिंपल यहां पे समझाऊं, ये लिखा नॉट, ठीक है। अब बताओ, और ये सिंपल कर देता हूं लो आप लोगों के लिए, चलो अब बताओ नॉट का मतलब क्या होता है, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ये होता है ना, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा नीचे वाले का, नीचे वाले का आउटपुट क्या आएगा, बाकी लोग को नहीं समझ में आ रहा क्या भाई, एक ही दो भाई, दो तीन भाई, गिने चुने दो तीन लोगों की आवाज आती रहती है, बस बोलना सीखो। क्वेश्चन ये है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे जो नॉट इक्वल लगा हुआ है ना, तो नॉट इक्वल में क्या होता है, नॉट में ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू होता है, हाँ, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, नो आएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे अगर ये लगा दूं ये अभी, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू है ना, इसी की बदली मैंने ये लगा दिया, तो ट्रू कंडीशन थी, ट्रू का क्या कर देगा वो, नॉट, फॉल्स कर देगा ना, आ रहा है नो। नॉट क्या करता है, ट्रू, अभी तो आप कह रहे हो यस सर नो सर, यस सर नो सर, जब कोडिंग में कहूंगा ना कि इसमें ये लॉजिक लगाओ ये वाला, तब देखते हैं आप लोग ये सर नो सर बोलते हो, यही सब चीज लगेंगी इस टाइम पे, फिर उसी में आप कंफ्यूज जाओगे सबसे ज्यादा।
अब इसी में अगर मैं एक इक्वल और जोड़ देता हूं, ठीक है, तो अभी आउटपुट क्या आएगा? वो क्या आएगा? सोच लो, नो आएगा ना। चलो इतने, तो अब मैं जेट जेट आ रहा हूं, अब बताओ क्या आउटपुट आएगा। ओके आ रहा है ना। तो अगर मैं इसको डाके ये कर दिया, अब ओके का क्या हो जाएगा? चल तो वही रहा है ना, ट्रिपल वाला चल तो ट्रिपल वाली रहा ना। और अब मैं यहां पे जी लगा देता हूं, अपना समझ में आ जाएगा इसका मतलब। अब क्या आएगा आउटपुट? अब आ जाएगा ना ओके। पॉइंट समझ में आए दोनों, दोनों पॉइंट समझ में आ गए? ट्रिपल इक्वल नॉट वाला नोट करो, माइक बंद कर लो माइक, अब नोट करो। कंपैरिजन, कंपैरिजन ले लो, कंपैरिजन में फेल्स आ जाएंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर डॉट एचटीएमएल के नाम से, इसी में आपका फेल चल जाएगा। कंपैरिजन ऑपरेटर, हाँ जी, कंपैरिजन चलो लो, आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। चलो बताओ आउटपुट क्या आएगा, क्या आउटपुट आएगा बताओ। हाँ, इससे क्या आ रहा था, इससे क्या आ रहा था लगाने से? बोनस नो आ रहा था यहाँ, तो देखो यहाँ तो ओके दिखा रहा, नीचे वाले ये तो बताओ। अगर इसको लगाया मैंने तो यहाँ तो नो क्या रहा है, आपके ओके आएगा। आप नो बोल रहे तो यहाँ पे तो ओके आ रहा है, और अगर मैं हटा देता हूँ तो अब आपकी ख्वाहिश पूरी कर देगा। आप कन्फ्यूज हो गए, ये ओके नो कैसे हो गया, क्यों ना? अभी कहाँ थे बैच में, बैच में कहाँ थे? अभी ये क्या दिख रहा है कि पासवर्ड और सी पासवर्ड इक्वल इक्वल हैं कि नहीं? तो हैं, तो जब हैं तो नॉट लग रहा है। अरे अभी तो हैं, तो फिर नॉट लगाया तो क्या हो जाएगा? नहीं होंगे ना, फिर नॉट से क्या हो जाएगा? यस का नो हो जाएगा ना, तो नो आ गया। तो अभी से ये क्या चेक कर रहा है, इतना कंपेयर कर रहा है, डेटा डेटा टाइप चेक नहीं कर रहा ना, डेटा टाइप चेक नहीं कर रहा ना। अब अगर मैं ये लगा दूंगा इसमें एक और, तो अब ये क्या चेक करने लगेगा? अब क्या हो गया जी? ओके हो गया, समझ आ गया। नोट करो, बेसिक चीजें तो बहुत जरूरी हैं, बेस बन गया तो बड़ी कोडिंग तो अपने आप हो जाएगी। नोट हो जाए बता देना। हाँ जी, प्लस इक्वल माइनस इक्वल, बस और कुछ हो जाए नहीं ऐसा।
अभी देख लेते हैं, बाकी नीचे के बंद तो कर लो, आपने एक साथ नोट कर लिए होंगे, तो लास्ट वाला सीन चल रहा होगा। नोट हो गया सबका ये फैज? कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लो। फिर कह रहा हूं बेस नहीं अच्छा होगा तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर आपने कहा ना कि सर चीजें मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि ये क्यों लगाया इसके अंदर, इसका कैसे काम कर रहा होगा। ठीक है, बाकी लोगों का हो गया। चलो अभी वाले करो सब लोग के लिए से, वाले ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल, ये चारों चला लो से अपने बना लो प्रोग्राम। ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल ये बना लें से। बाकी लोग भी कर लें, ग्रेटर देन लेस देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। बना के जब से देख लीजिए, क्या सब कुछ चल गए? हाँ जी, चलो अब आगे देखें, समझ में आ गया इतना, चल गया ना सबका। अब देखो अब इसके बाद आता है, इसके बाद आता है लॉजिक ऑपरेटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है लॉजिक। एंड और नॉट, एंड में क्या होता है आपको सामने दिख रहा हो, एंड एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन के टाइम पे क्या होता है, ईमेल भी ट्रू होना चाहिए और पासवर्ड भी। आपने डाला ईमेल और पासवर्ड, डेटाबेस में जाएगा चेक करेगा ईमेल और पासवर्ड दोनों सही हैं तो आपका लॉगिन होगा, वरना लॉगिन नहीं होगा।
अब आपने एक गौर किया होगा, अगर आपका दोनों में से कुछ भी गलत होता है तो मैसेज से मैसेज कॉमन आता है, ईमेल एंड पासवर्ड डज नॉट मैच आता है जी। मतलब समझ में आता है ऐसा क्यों आता है, उसके पीछे भी लॉजिक है क्यों आता है, पता है किसी को? अब मान के चलो आपने ईमेल से डाल लिया, तब भी मैसेज तो एक ही आता है ना, ईमेल एंड पासवर्ड डज नॉट मैच एंड लगा, और नहीं एंड लगा है। लॉगिन में हमेशा क्या लगता है, एंड वाला पार्ट चलता है। ईमेल भी सही होना चाहिए और पासवर्ड भी सही होना चाहिए। अब मैसेज का मतलब समझाता हूँ। जैसे मान के चलो आपका कोई फेसबुक लॉगिन कर रहा है, ठीक है। अब मान के चलो उसने ईमेल डाला और पासवर्ड डाला, अब मान के चलो गलती से उसका ईमेल सही हो गया और गलती से अगर ये मैसेज आ गया कि पासवर्ड इनकरेक्ट, तो सामने वाले को क्या समझ में आएगा बताओ, कि इसका ईमेल सही है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब वो क्या सोचेगा, या पासवर्ड में कुछ चेंज करने हैं तो वो दिमाग कहाँ लगाएगा, किला इसका पासवर्ड क्या हो सकता है, ये क्या सोच सकता है, बंडी तरीके के देखें ये उठाने गाने। और यहाँ मैसेज क्या आता है, ईमेल एंड पासवर्ड डज नॉट मैच। अब दूसरा बंदा होगा जो कि फेसबुक लॉगिन कर रहा होगा, अब वो सोच रहा होगा इसका ईमेल सही है, ईमेल गलत है कि पासवर्ड है, वो कन्फ्यूज होना रहेगा ना, वो क्या होना रहेगा, कन्फ्यूज रहेगा कि क्या गलत है इसमें दोनों में से। जिसको पता होगा उसको तो पता होगा भाई मेरे दोनों में से क्या गलत हो रहा है। अब जिसको नहीं पता वो तो ये सोचेगा कि ईमेल गलत है, क्या इसका पासवर्ड गलत है, और उसको कहीं ये मालूम पड़ जाए कि नहीं हाँ पासवर्ड सही है, या उसको ये मालूम पड़ जाए नहीं पासवर्ड सही हो गया ईमेल गलत हो गया, या ईमेल सही पासवर्ड गलत है, तो वो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको लॉगिन कर ही लेगा पूछ पाछ कैसे कुछ ना कुछ करके। बात समझ में आ गई? इसीलिए हमेशा कॉमन मैसेज दिया जाता है ईमेल एंड पासवर्ड डज नॉट मैच। बात समझ में आ गई? तो एंड में क्या होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जो करेंट एग्जांपल हो गया लॉगिन, और में क्या कहता है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए। अब मान के चलो और लॉगिन वाले सिस्टम में हम और वाला काम कर लें, ऐसा और लॉगिन वाले में और वाला काम कर लो तो क्या होगा, गलती से किसी को आपका ईमेल मालूम पड़ गया, गलती से किसी को पासवर्ड मालूम पड़ गया, तो आपका फेसबुक लॉगिन कर लेगा ना, कंडीशन तो और लगी है ना। सोचो अगर लॉगिन में और कंडीशन लगा दी जाए तो क्या होगा, फिर तो कहीं ना कहीं से तो आपके फेसबुक तो लॉगिन कर ही लेगा, वो कुछ भी लॉगिन कर लेगा अगर उसको दोनों में से एक भी चीज़ आपकी मालूम पड़ गई, अगर तुक्के से भी उसने लगा ली तो, ठीक है। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं हमेशा एंड। एंड का यूज़ कब करते हैं, जब हमें दोनों कंडीशन ट्रू करानी होती हैं तब हम लोग एंड का यूज़ करते हैं। बात क्लियर? नॉट आपको पता है? अब देखो अभी तक आपने देखा था एक चीज, पे आता हूँ उसी पे, मल्टीपल कंडीशन चेक कैसे करते हैं, मल्टीपल कंडीशन, ठीक है। अब देखो मैंने यहां पे लिखा यूजर नेम और उसका पासवर्ड, ठीक है, और कर दिया इक्वल इक्वल, और यहां पे लिख दिया WEL वेलकम राम STUD स्टूडेंट्स, ठीक है, और इफ एल्स लगाया, else if यहां मैं क्या चेक करा रहा हूं, वेलकम एडमिन, तो एक को लगाया मैंने else if, ठीक है, और अरे यहां कंडीशन तो लगा दो वाली, वेलकम एच आर, ठीक है, और फिर लास्ट में एल्स, और इसके बाद नो बेटा, ठीक है, ये लगाती मैंने कंडीशन। अब समझो मल्टीपल लॉगिन कैसे काम करता है, लॉगिन सिस्टम एक ही है, लॉगिन क्या है एक ही है हमारा, हमारे पास उसी लॉगिन से एडमिन लॉगिन कर रहा है, उसी लॉगिन से स्टूडेंट लॉगिन करता है, उसी लॉगिन से एचआर लॉगिन करता है। बात समझ आ रही है? हम बात किसकी कर रहे हैं, एल्स इफ की, मल्टीपल कंडीशन चेक करने की।
हम बात कर रहे हैं मल्टीपल कंडीशन चेक करने की, ठीक है। तो आपके सामने ये आ गया लॉगिन सिस्टम, समझना ये चीज़ें बहुत यूज में आती हैं, इसलिए इतना टाइम लेता हूँ इन चीज़ों पर। मैं हमेशा बेस चीज़ों पर बहुत टाइम देता हूँ, बेस पे। बेस अच्छा है तो सब अच्छा है आपका, बेस बेकार सब बेकार आपका। कभी देख लेना डिजाइनिंग में पढ़ाई हुई तो हमेशा एसटी में सीएस ज़्यादा दिमाग लगाया। देखो यहाँ पे मांगे चलो, हमने यूजर आया, जैसे मांगे चलो एक स्टूडेंट आया, उसने लिखा राम और डाल दिया पासवर्ड में 123 123 और लॉग इन किया। अब वो कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा, यहाँ ले देता हूँ राम के अंदर और 123। जैसे यूजर ने लॉग इन किया वो सीधा यहाँ पे आएगा, यूजर नेम में क्या आ गया और यहाँ पासवर्ड कर देता हूँ। यूजर नेम राम आ गया, 123 आ गया, तो अब यहाँ पे जाके चेक करेगा क्यों सब लोग। अब यहाँ पे क्या देख रहा है बताओ, और यहाँ क्या देख रहा है? गलत कर दिया। यूजर नेम इक्वल राम, एंड तो लगाया नहीं इसमें, तो मैं कहूँ कंडीशन चलेगी कैसे? अब पासवर्ड इक्वल 123, मैं तो कहूँ लॉजिक क्यों नहीं चला जाए। ये यहाँ कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, कर दिया रोहित 124। यहाँ पे कर देता हूँ एडमिन, ये एडमिन है ना एडमिन, और ये एचआर, ये मैं ले लेता हूँ एचआर, ठीक है एचआर। अब देखो सब यहाँ पर ये बन गया सिस्टम। तो क्या हुआ, यहाँ से यूजर ने किया लॉगिन, स्टूडेंट ने लॉगिन किया राम 123, वो यहाँ पे आया, स्टोर हुआ इसमें आके, ठीक है। अब वो चेक कर रहा है कंडीशन में जाके कि यूजर नेम राम है, मिल गया। अब एंड लग गया, जब एंड का पंगा क्या है कि कंडीशन दोनों ट्रू होनी चाहिए। अब पासवर्ड मिल गया 123, दिख रहा है आप लोगों को पासवर्ड यहाँ मिल गया उसको 123, तो कंडीशन ये क्या हो रही है आप लोगों के हिसाब से? हाँ हो रही है। अगर मैं रंग करके चेक करूँ तो देखें क्या आउटपुट आता है। तो आगे वेलकम। अब मान के चलो यूजर आया यहाँ पे, उसने यूजर ने कर दिया 124, ठीक है राम 124 भूल गया, तो अब यहाँ पे क्या आ गया राम 124। अब वो पहली कंडीशन में जाके चेक करेगा, नहीं मिला फॉल्स होगी कंडीशन, फिर दूसरी कंडीशन में जाके चेक करेगा, यहाँ पे भी नहीं है फॉल्स होगी कंडीशन, तीसरे में जाएगा चेक करेगा फॉल्स होगी कंडीशन, लास्ट में कहाँ चला गया एल्स पे, और यूजर को यहाँ पे क्या शो करा देगा नो डेटा। अब यूजर क्या आएगा यार, नो डेटा करा देगा या वो करा देगा ये ईमेल एंड पासवर्ड डज नॉट मैच, है जो भी आप मैसेज शो कराना चाहो यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड डज नॉट मैच, है ना ईमेल एंड पासवर्ड नॉट मैच, ठीक है ये मैसेज शो कराना है, और एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये मैसेज यहाँ पे आ जाएगा, मैसेज आ गया, बोलेगा अच्छा अरे गलती हो गई, फिर वो ट्राई करेगा। अब वो कहेगा चलो भाई ट्राई कर लेते हैं, अब उसने वो सही कर लेगा इसको, तो उसका लॉगिन हो जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट लॉगिन कर लिया, अब कौन आया अब आया एडमिन, तो एडमिन ने कहा कि अब कॉलेज के एडमिन आए, उन्होंने डाला एडमिन, उन्होंने डाला 123 123 4 5, वो भी भूले क्या था, उन्होंने लॉगिन किया। अब यहाँ पे आगे ऊपर आए, यहाँ पे आके क्या स्टोर हो गया होगा एडमिन 123 4 था, ठीक है 123 4 5 ये आ गया। अब वो पहले कंडीशन में जाके चेक करेगा फॉल्स, दूसरे जाके चेक करेगा एडमिन मिल गया, मगर पासवर्ड में क्या है यहाँ पे 124 है, ठीक है तो फॉल्स, तीसरा फॉल्स, लास्ट में क्या मैसेज शो करा देगा एडमिन को भी ये वाला, समझ में आ रहा है इस तरीके से कंडीशन चेक होती है मल्टीपल। ये अब यूजर का अरे ये गलती होगी मेरे सर, मेरे से गलती हो गई, 124
लॉगिन करेगा, कैसे लॉगिन करेगा, यहाँ पे आके, तो यहाँ पे आ गया 124, तब भी पहली कंडीशन चेक होगी, उसके बाद दूसरी कंडीशन पे आएगा, ठीक है, मिल गया। सेव करता हूँ, चेक करता हूँ क्या आउटपुट आ रहा है। तो आगे वेलकम एडविन, तो समझ में आता है मल्टीपल कंडीशंस किस तरीके चेक करते हैं। चलो नोट कर लो, अब कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब मैं यहाँ पे एंड, अब मैं अब सोचो यहाँ पे एंड की बल्दी और लगा दूं तो क्या होगा, तो और का साइन होता है तो फिर चल जाएगा, बोलो चल जाएगा ना। अगर यूजर ने, अगर यूजर ने डाल दिया 1 to 5 1 to 4 5 डाल दिया, मगर ईमेल तो मैं, यूजर नेम तो मैच हो गया ना, भले पासवर्ड मैच नहीं हो और लग गया ना, तो रन कर देगा, चेक करते हैं। चलो तो चल गया, क्योंकि तो और लगाया ना, अगर यहीं हटा के मैं एंड लगा देता हूँ, अब देखते हैं। तो आ गया ईमेल में पासवर्ड डन मैच, पॉइंट समझ में आ गया। और एंड का मतलब क्या, और में तो और दोनों सही होने चाहिए, एंड में कोई भी एक हो जाए। सिंपल है, देखो मैं तुमसे मैंने कहा कि बाजार जाओ मेरे लिए एक बर्गर लेके आओ, तुम बर्गर लेने गए और वहां पे दुकान बंद थी, फिर तुम लौट आओगे ना, और मैं अगर तुमसे ये कह दूं कि बर्गर लेने जा रहे हो, अगर बर्गर ना मिले तो पिज्जा ले आना। अब तुम बर्गर की दुकान में पहुंचे तो बर्गर नहीं मिला, अब तुमने कहा कि समय कहा तो था कि पिज्जा ले आना, तुम पिज्जा ले आओगे। और अगर मैं ये कह दूं नहीं बर्गर मिला तो ही लेके आना, बना लेके मत आना, ठीक है। तो यहाँ पे एंड क्या कह रहा है, यूजर नेम तो राम ही होना चाहिए, पासवर्ड तो ये होना चाहिए, और यहाँ क्या कहता है, मैं और लगाता हूँ कि एडमिन वाले हो जाए, कुछ भी एक हो जाए, है ना। तो नोट करो अच्छे से, ये बेसिक बेसिक चीजें बहुत जरूरी हैं। माइक बंद कर लो, किसी को माइक ऑन है। प्रैक्टिस करना सब लोग, इफ एल्स तो अंदाजा समझ में आ गया होगा सबको, इफ एल्स कैसे काम करते हैं, एंड कैसे काम करते हैं, इनकी इनकी प्रैक्टिस करना घर पे दोबारा से, नोट कर लो, इनकी प्रैक्टिस करना घर पे आप लोग दोबारा से फिर से,